हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो है लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से आपकी स्टडी टोटली बंद है। आप बिल्कुल डिपेंड हो चुके हैं, या हम बिल्कुल डिपेंड हो चुके हैं ऑनलाइन के ऊपर, यानी ऑनलाइन पोर्टल। तो सभी जगह, यानी कि मान लीजिए सपोज दैट कोई सिक्स क्लास में, कोई सेवन क्लास में, कोई टेंथ क्लास में, या कोई ट्वेल्थ में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पीजी कर रहा है, तो सबको इन सभी के लिए जो है अलग अलग पोर्टल में जाना पड़ रहा है। या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोर्टल पे जाना पड़ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने, यानी भारत सरकार ने एक सुविधा दी है आपके लिए, आप उसका लाभ जरूर उठाएं। जी हाँ, फर्स्ट क्लास से लेकर के पीजी तक जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, आप वो एक ही पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आप पा सकते हैं। तो उस पोर्टल का नाम क्या है हम जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, उस पोर्टल का नाम है दीक्षा पोर्टल। यहाँ पे केंद्र सरकार ने, बहुत बड़ी मुहिम है केंद्र सरकार की, क्योंकि पता है कि सभी लोग इन परेशानियों से गुजर रहे हैं। स्कूलें ऑफ हैं, स्टडी मटेरियल जो है ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, और स्टडी मटेरियल जो है बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। तो कहाँ से स्टडी मटेरियल जो है बच्चों तक पहुँचाया जाए, हम या आप जो है उसको पाए, तो बहुत ही आसान रास्ता है, बहुत ही इजी वे है, वो है आपका दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल पे आप जाइए, और वहाँ पे आपको वन क्लास से लेकर के पीजी तक, जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं, वो आपको वहाँ एक कंटेंट के रूप में मिलेंगी। यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ कि पहले यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू लैंग्वेज में ही सिर्फ बुकें मिल पाती थी, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने अपना जो दायरा है वो बड़ा कर लिया है। यहाँ पे आपको कन्नड़ है, तेलुगु है, जो और अदर लैंग्वेज है, उनमें भी यहाँ आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पोर्टल है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि टीचर के लिए भी है। जो टीचर प्रशिक्षण, यानी सर, जो शिक्षक प्रशिक्षण चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे भी बहुत सारे कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। साथ ही साथ में गृह मंत्रालय ने इसका ऐप जो है वो भी जारी कर दिया है। तो यानी कि इस ऐप के माध्यम से आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, और UGC जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, वो भी अपने कंटेंट को, जो अब उसके स्टडी मटेरियल है, उनको भी यहाँ पे डालने की तैयारी में लगा हुआ है दीक्षा पोर्टल पे। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास है, आप दीक्षा पोर्टल को जो है, या तो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, और विस्तार से जो जानकारी है आपको साइट में दी जा रही है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कैरियर का। यदि आपकी रुचि राज्य प्रशासनिक सेवा में है, तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आज के कैरियर में UPPCS एग्जाम के फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, UPPCS के जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं। और यदि यहाँ पे हम बात करते हैं इसके लास्ट डेट की, तो इसकी जो लास्ट डेट है 21 अप्रैल से जो है इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और यदि हम लास्ट डेट की बात करते हैं, तो 18 मई तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो कैरियर जो लोग UPPCS एग्जाम देना चाहते हैं, उसके फॉर्म जो है भरने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और यदि आप न्यू हैं इस चैनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज ही हमारा फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट शो है डेली टॉक विद आरती में, तो वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, लाइक करना है, वीडियो को जो है शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में जो बेल आइकन होता है उसको आप ओके कर लें, प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट डालूं, वो आपको एजी से अवेलेबल हो जाए और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसको बढ़ाना आपका काम है। चलिए फिर, हम कल 9 PM पे प्राइम टाइम पे डेली टॉक विद आरती के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें। कल के न्यू एपिसोड में, कल के न्यू सेगमेंट में, कल के न्यू वीडियो में हम आपके उन कमेंट्स का जवाब देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।